एक टाइम था जब सारों से खास तिगड़ी का दबदबा रहता था, शाहरुख, सलमान और आमिर। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई एक्टर्स इस दबदबे को चुनौती दे रहे हैं और इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स ने इस साल बॉलीवुड में बैक टू बैक कई हिट मूवीज दी है और इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स के तौर पर सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अक्षय कुमार की, आखिर कैसे चला ये कारवा, करते हैं शुरुआत। अक्षय की इस साल आई मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और केसी जैसी फिल्में रिलीज हुई। इनमें से मिशन मंगल और हाउसफुल 4 जैसी मूवी ने 200 करोड़ क्लब में शामिल होने का कारनामा कर दिखाया। इसके अलावा फिल्म केसरी भी सुपरहिट साबित हुई। और तो और अभी रिलीज होने वाली 27 दिसंबर को अक्षय की गुड न्यूज भी एक बड़ी हिट साबित होगी। ऐसे में अक्षय इस साल 4 बैक टू बैक हिट फिल्में दे सकते हैं। वहीं बात करें अगर आमिर खान, सलमान और शाहरुख खान की, तो इन सभी स्टार्स ने पिछले काफी टाइम से कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपनी फिल्मों से नहीं दी। अक्षय पिछले कई सालों से लगातार बेहतरीन मूवीज दे रहे हैं और यही कारण है कि वो इकलौते ऐसे इंडियन स्टार है जो एक साल में कई करोड़ की कमाई के साथ फ्लॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रह चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं आयुष्मान की। अक्षय की ही तरह डिफरेंट कंटेंट की मूवीज देने वाले आयुष्मान लोगों के दिलों में भी अब अपनी जगह बना चुके हैं। उनकी इस साल आई फिल्म आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इसके अलावा उनकी पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन ने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस लिहाज से आयुष्मान इस साल 3 हिट मूवीज दे चुके हैं, यानी सिर्फ दोनों एक्टर्स के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट ही नहीं बल्कि काफी हद तक इनके करियरग्राफ भी एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिसके कारण दोनों सभी खास पर अब भारी पड़ चुके हैं। तो आपका क्या कहना है, जरूर दीजिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में।